इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने क्या क्या देखा था, ये एक बार उनको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास 5 हेड्स की इनकम होती है, और 5 हेड्स की इनकम में से लास्ट वाला हेड जो है ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। यदि कोई इनकम 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होती है तो उसके लिए लास्ट वाला हेड बचता है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो टैक्सेबल करनी पड़ती है हमको। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। फिर हमने देखा था कि सर इसमें कुछ सेक्शंस थे, जैसे हमने आपको बताया था कि सेक्शन 56 है, ठीक है, सेक्शन 57 है और सेक्शन 58 है। ये सारे सेक्शंस हमको पढ़ने थे इसमें, ठीक है जी। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 56 है वो क्या कहता है। सेक्शन 56 हमारे पास कहता था कि यदि कोई इनकम ऊपर के 4 हेड्स में, इसमें दो, एक था 56(1) और एक था 56(2). 56(1) कहता था कि अगर कोई इनकम ऊपर के 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होती है और वो रिवेन्यू नेचर का है तो उसको टैक्सेबल हम करेंगे किसमें, उसको टैक्सेबल हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और सेक्शन 56(2) कहता था कि यदि कोई इनकम ऐसी है जो नीचे मेंशन की गई है वो सिर्फ और सिर्फ मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको अगर फील भी आए, अगर आपको फील भी आ जाए कि नहीं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं, इसको पीजीबीपी होना चाहिए, इसको कैपिटल गेन होना चाहिए, अगर आपको ऐसा फील भी आए, लेकिन उसको सरकार ने कहा कि इसको नहीं मानेंगे हम, ना ही पीजीबीपी मानेंगे, ना ही कैपिटल गेन मानेंगे, ना ही सैलरी मानेंगे, नहीं हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, इसको मानेंगे तो सिर्फ अदर सोर्सेज की इनकम मानेंगे। उनमें से कौन कौन सी इनकम आती थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिविडेंड की इनकम। यदि कोई डिविडेंड इनकम है हमारे पास तो सरकार ने कहा इस डिविडेंड की इनकम को आप हमेशा, आपका बिजनेस है डिविडेंड कमाना, फिर भी आप इसको पीजीबीपी में नहीं ले जा सकते, आप इसको हमेशा क्या मानोगे, आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही मानोगे। उसके बाद हमने सेकेंड इनकम जो आपको बताई थी वो थी कि इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, बेटिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा, जिनको हम WRC के नाम से भी बोलते थे, ठीक है। सरकार ने कहा कि यदि कोई आपके पास ऐसी इनकम है, WRC की इनकम है, ऐसी इनकम्स को सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है, इनको हम किसी और हेड में नहीं ले जा सकते। अब मैं ये बोलूं कि सर जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था कि मैं एक प्रोफेशनल गैम्बलर हूं, ठीक है, सट्टेबाज हूं मैं, और मैं, मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, तो क्या मेरी इनकम पीजीबीपी इनकम मान ली जाएगी? जवाब है नहीं, मेरी इनकम पीजीबीपी इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सर सरकार ने खुद ही लिखा है सेक्शन 56(2) में कि यदि कोई WRC की इनकम आपके पास आती है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं ले जाएंगे, आप उसको पीजीबीपी नहीं मान सकते, ठीक है। अच्छा, जो जो बच्चे आ रहे हैं वो कृपा करके चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस भी मार्क कर दें और प्रेजेंट लिख के बस वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने आपको पॉइंट नंबर 3 भी लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई सम रिसीव्ड बाय SSC फ्रॉम हिज एम्प्लॉईज एज कंट्रीब्यूशन टू हिज स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को पैसा देता है कि भैया ये मेरा पैसा किसमें करना, ये मेरा पैसा आप किसी कंट्रीब्यूशन में लगा लेना, अगर एम्प्लॉयर ने जिस टाइम पे उसको रिसीव किया वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाती है, लेकिन उसकी बिजनेस इनकम नहीं है, ये उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाता है। फिर जाके एम्प्लॉई उसको जब आगे जाके कहीं कंट्रीब्यूट कर लेता है तो वो लेस कर लेता है उस इनकम से, ठीक है। फिर आता है नंबर 4, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। यदि कोई जो पॉइंट नंबर 3 पे वापस आ जाता हूं मैं, यदि कोई स्टाफ वेलफेयर या कोई कंट्रीब्यूशन जो आपने एम्प्लॉई से रिसीव किया है और उसको आपने बिजनेस इनकम ना दिखाया हो, अगर बिजनेस इनकम दिखाया तो कोई नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको अगर यहां पे बता दूं, नॉर्मली ये होता है
यहां पे, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई क्या करता है, अपना कुछ पैसा, मान लीजिए इसकी सैलरी है 30,000 रुपए पर मंथ, तो ये इसका 10% जो है 3,000 रुपीज ये अपने एम्प्लॉयर को देता है कि भैया आप ये मेरा पैसा जो है ना इसको आप कंट्रीब्यूट कर लो आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सैलरी में पड़ा है आपने, ठीक है। जैसे ही ये 3,000 रुपए इसके पास आ जाता है, ठीक है, ये इसकी बिजनेस इनकम बन जाती है, ये इसकी बिजनेस इनकम बन जाती है इनकम। अगर इसने इस पैसे को 3,000 रुपए को आगे कंट्रीब्यूट कर लिया, 3,000 रुपए को आगे कंट्रीब्यूट कर लिया, तो ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में क्या कर सकता है, पहले तो यहां 3,000 रुपए इनकम दिखाएगा और फिर बाद में यहां पे आरपीएफ के नाम पे 3,000 रुपए का यहां पे एक्सपेंस दिखा के इसको खत्म कर सकता है, क्योंकि इनकम तो एक्चुअल में है नहीं, किसी और का पैसा किसी और को देना है, मेरी इनकम कहां ही बना हो बीच में। यदि इसने बिजनेस इनकम इसको नहीं माना, इसने कहा कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में इसको नहीं लिखूंगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको 3,000 रुपए को लिखना पड़ेगा। यही पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि कोई बिजनेस इनकम नहीं मानना चाहता है तो ना माने, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेंगे। ओके, फिर आता है कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, मान लीजिए राम के पास डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आया, अगर उसने कहा कि ये जो इंटरेस्ट है मेरा है, ये मेरा इंटरेस्ट जो है ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट उसका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उसने इसको बिजनेस ना मान के कहा कि ये तो मैंने पार्ट टाइम ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो वो जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेंगे। सेम अगर मैं बात करूं, अगर आपके बैंक की इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है बैंक में पैसा जमा करा के इंटरेस्ट कमा लेना। हाँ, अगर बिजनेस है तब कोई बात नहीं है, तब तो आप इसको मान लीजिए, क्या मानना है, ठीक। ओके, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी प्लांट और फर्नीचर इन द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, हमने आपको बता दिया था। कंपोजिशन रेंट के बारे में आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि कोई रेंट ऐसी प्रकार की बिल्डिंग से आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कंपोजिट रेंट आता है, मान लीजिए ये मेरा मकान है, या आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा चुके हैं हम, ये मेरे मकान में मैंने एसी लगाया हुआ है, ठीक है, और एक फ्रिज है और एक टीवी है, तीन चीजें। आप मेरे पास आए, कहा कि सर हमें ना आपका मकान किराए पे चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, मकान किराए पे चाहिए ना, ले लो, कितना किराया है सर, किराया मकान का जो है 20,000 रुपए है, ठीक है सर, इतना हम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, आप 15,000 रुपए दे दो, ठीक है, लेकिन ये तीन चीजें आपको नहीं मिलेंगी, क्या क्या, एसी, फ्रिज और बेड, सॉरी एसी, फ्रिज और टीवी, ये आपको नहीं मिलेंगे। सर इसका मतलब जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा 15,000 रुपए पर मंथ, तो 5,000 रुपए जो आपका आ रहा है वो तो सीधा सीधा किसका ले रहे हैं आप, वो तो सीधा सीधा आप मशीन का ले रहे हैं, मशीनरी का ले रहे हैं, ठीक है, या फर्नीचर का ले रहे हैं। अगर कोई मशीन का या फर्नीचर का रेंट आपके पास आता है, या तो आप इसको बताओ कि ये मेरा बिजनेस है तो पीजीबीपी की इनकम मान लो, आपने कहा जी मेरा बिजनेस नहीं है तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में जनरेटर का भी एग्जाम्पल दिया कि मैंने जनरेटर को किराए पे दिया है, 5,000 रुपए मैंने पूरे साल में कमाया, 50,000 रुपए कमाए पूरे साल में, तो उस 50,000 से मुझे बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि जनरेटर को किराए पे देना मेरा बिजनेस है तो मेरा पीजीबीपी मान लिया जाएगा, और यदि मैंने कहा कि ये बिजनेस नहीं है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा, ठीक है जी। ओके, वापस आ जाते हैं अपनी बुक में। बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर अलोंग विद लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड द लेटिंग
टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल इफ द इनकम इज नॉट टैक्सड बिजनेस इनकम. ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंपोजिट रेंट है, ठीक है, तो कंपोजिट रेंट का क्या होता है. हम सीधा सीधा क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि यदि मेरे पास कोई मकान है, मकान को किराए पे देना है, ठीक है, लेकिन इस मकान में जो मशीनरी लगा हुआ है, मैंने कहा कि भाई साहब आपको मकान किराए पे चाहिए, 50,000 रुपए लगेगा किराया, मंजूर है. आपने कहा सर हमें मशीनरी नहीं चाहिए. भाई बिना मशीनरी के चढ़ेगा ही नहीं किराए पे, क्योंकि ये है कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, अगर मैं इसमें कूल करने का सामान बाहर निकालूं तो ये काहे का कोल्ड स्टोरेज है, तो फिर खाली बिल्डिंग है, ठीक है. तो इसको बिना मशीन के मैं किराए पे नहीं चढ़ा सकता. तो अगर आप बिना मशीन के किराए पे नहीं चढ़ा सकते, आप सेपरेट नहीं कर सकते कि मकान का कितना है और मशीन का कितना है. अगर ये बाइफर्केट हो रहा है कि भैया मकान का जो है 30,000 रुपए है और मशीन का 20,000 रुपए है, तब तो भैया जो 30,000 रुपए है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये जो 20,000 रुपए है इसको इनकम फ्रॉम पीजी बिजनेस प्रोफेशन मान लो. अगर बिजनेस प्रोफेशन नहीं मानना चाहते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लो. लेकिन अगर ये सेपरेबल नहीं है, नॉट सेपरेबल, नॉट सेपरेबल. आपने कहा भाई साहब हम सेपरेट नहीं कर सकते, 50,000 रुपए रेंट है, देना है तो दो, कहानी खत्म. हम ये नहीं बता सकते कि मकान का कितना है और इसका कितना है, ठीक है. एक बार चैट देख लेता हूं मैं आप सबका. चलो ओके, अगर नॉट सेपरेबल है तो उसमें क्या करना पड़ेगा. सरकार ने कहा कि भैया आप बताओ क्या ये आपका बिजनेस है. अगर बिजनेस है आपका तो इसको क्या मान लो, इसको पीजीबीपी की इनकम मान लो. अगर बिजनेस नहीं है, नॉट बिजनेस, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानना पड़ेगा. यदि बिजनेस है तो पीजीबीपी की इनकम में आ जाएगा. क्लियर है बात, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. वापस आ जाइए बुक में. एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. इफ एनी सम और मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट एक्सीड 50,000 रुपए, 50,000 का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर हमने गिफ्ट अपने रिलेटिव से लिया हुआ है तो कोई टैक्स नहीं है. अगर हमने गिफ्ट अपनी शादी ब्याह पे लिया हुआ है तो कोई टैक्स नहीं. सर क्या तब भी 50,000 रुपए का देखना पड़ेगा? जवाब है नहीं, तब 50,000 नहीं देखना. तब तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आपको मिले रिलेटिव से, जितना आपको मिले शादी ब्याह पे, सारा का सारा माफ, ठीक है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन हाँ, अगर शादी ब्याह के अलावा, ठीक है, आपके रिलेटिव के अलावा किसी और ने आपको किसी और मौके पे गिफ्ट दे दिया, यदि टोटल गिफ्ट 50 को एक्सीड कर रहा है पूरे साल में, मेरे 10 लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिया, ठीक है, और 10 लोगों ने अगर 5,000 रुपए दिया तो 50,000 रुपए पूरे साल का हुआ, तो कोई टैक्स नहीं है. लेकिन अब इस एक ने क्या कर लिया, और एक ने गलती से 6,000 रुपए दे दिए, तो 51,000 पे अब कितने पे टैक्स लगेगा, अब पूरे कितने पे टैक्स लगेगा, 51,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है जी. ये भी हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में. आगे चलते हैं. इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है हमारे. देखो ना बच्चे, अगर हमने कंपनसेशन रिसीव किया है गवर्नमेंट से, जो हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में या तो पढ़ना है, या तो जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा, ठीक है. अगर हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपको बता दिया था कि यदि कोई ऐसा कोई कंपनसेशन हम रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से, अगर कोई इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट कंपनसेशन पे मिलता है वो पार्ट नहीं बनता है सेल कंसिडरेशन का, वो इंटरेस्ट मान लिया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हो चुका है इस पे, ठीक है. और उसके बाद मैंने कहा कि यदि एक हमने एग्जांपल लिया था कि राम की कोई जमीन थी, उसको सरकार ने हड़प लिया था, ठीक है. राम को बदले में क्या मिला था, कंपनसेशन 50,00,000 रुपए का. अब 50,00,000 रुपए का कंपनसेशन राम को मिला था, लेकिन ये मिला था 4-5 साल बाद. तो सरकार ने क्या किया, 5 साल का इंटरेस्ट भी 1,00,000 रुपए इसमें दे दिया. 50,00,000 तो मिला, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मान लेंगे हम इसको, क्योंकि जमीन गया और वहां से पैसा आया, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. लेकिन ये जो 1,00,000 रुपए है, क्या इसको भी हम कैपिटल गेन माने, जवाब है नहीं. इस 1,00,000 के इंटरेस्ट को हम मानेंगे क्या,
इसको हम मानेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर राम ने केस किया और कहा कि नहीं 50,000 मुझे 50 लाख जो है मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा, मुझे 60 लाख रुपए दे। फिर 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आया और कहा कि राम को 10 लाख रुपए और दे दो। तो राम ने कहा भाई साहब ये 10 लाख आप उसी टाइम पे दे देते तो दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन आप तो 10 साल बाद दे रहे हो, लेकिन क्या फायदा मुझे इस पिछले 10 साल का इंटरेस्ट मैं गवा चुका हूं। तो सरकार ने राम को 10 साल का इंटरेस्ट भी दे दिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भी मिला। वो जो 10 लाख रुपए है वो तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन। ये टैक्सेबल हो जाएगा किसमें? ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, However, 50% of such interest is deductible and consequently only 50% of such interest is taxable. ये भी हमने बताया था कि सरकार ने सिंपली कहा कि ये जो इंटरेस्ट है ये तो पिछले लड़ाई चल रही थी कि 10 साल की इनकम को माने कि इस साल की इनकम माने, accrual माने कि कैश माने, पहले तो बहुत सारी लड़ाइयां चली। फिर सरकार ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जितनी इनकम आए इस साल की इनकम मान लो, इसमें से क्या करो 50% का फ्लैट डिडक्शन ले लो। ठीक है, फ्लैट डिडक्शन ले लो। फिर आइए नेक्स्ट नंबर पे, वेयर एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज फॉरफिटेड एंड द नेगोशिएशंस डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। देखना बच्चे ये क्या है, बहुत ही जबरदस्त कानून है, बहुत ही जबरदस्त कानून। एक सेक्शन है कैपिटल गेन में ही पढ़ते हैं हम इसको, फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी या एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये हम कैपिटल गेन में पढ़ते हैं। मैं यहां पे इसका थोड़ा सा इंट्रो आपको कराता हूं कि है क्या चीज। सुनना मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है मिस्टर राम, राम के पास एक मकान है, इसने मकान की बोली लगाई भाई साहब मकान को बेचना है मुझे फॉर सेल। ठीक है, इतने में एक व्यक्ति आया जिसका नाम मोहन था। मोहन ने कहा राम बाबू मकान बेचते हो क्या? राम ने कहा दिखता नहीं फॉर सेल, इतना बड़ा बोर्ड तो लिखा हुआ है, बेचने के लिए रखा है, चलो आ जाओ जल्दी से दे दो। कितने का बेच रहे हो? 50 लाख रुपए है तेरे पास? मोहन ने कहा मजाक थोड़ी चल रहा है, 50 लाख रुपए कौन लेके घूम रहा है जेब में? कोई नहीं घूमता। एक काम करो आप एडवांस ले लो, एडवांस में आपको दे दूंगा 5 लाख रुपए, इतना तो लेके चलता ही हूं मैं, 5 लाख रुपए आपको एडवांस दे दिया। ठीक है, बाकी जो 45 लाख है इसके लिए आप मुझे एक मंथ का पीरियड दे दो, एक मंथ में मैं आपको ये 45 लाख रुपए दे दूंगा और ये मकान मेरा हो जाएगा। राम ने कहा देख भाई, तू जो एडवांस देगा अगर तुमने बाकी के 45 लाख एक महीने के अंदर अंदर दे दिए कोई दिक्कत नहीं, मकान तेरे नाम, लेकिन यदि तुमने 30 दिन के अंदर एक महीने के अंदर अंदर नहीं दिए, अगले महीने में क्या करूंगा मैं आपके ये 5 लाख रुपए फॉरफिट करूंगा। क्या करूंगा? फॉरफिट करूंगा। अब इससे क्या होता था, सरकार ने कानून बनाया था कि भैया जब ये 5 लाख रुपए फॉरफिट होता था इसको इनकम नहीं बनाओ, ये इनकम नहीं मानी जाती थी पहले की बात, लेकिन इससे गड़बड़ होती थी। वो गड़बड़ जो है वो मैं अभी अगर आपको बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो गड़बड़ क्या थी यहाँ पे बताने का ये सिर्फ मोटिव है मेरा कि ये जो 5 लाख रुपए है सरकार ने उस गड़बड़ को रोकने के लिए कहा कि इस पांच लाख की इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लो, उसी साल जिस साल आपने फॉरफिट किए, ईयर In which such amount is forfeited, उसी साल forfeit, जिस साल आपने forfeit किया उसी साल की इनकम मान लो इसको। ठीक है, ये था forfeiture का। अगर आपने कोई capital asset बेचा, ठीक है, उसके बाद आप sale नहीं कर पाए उसको, तो आपने वो amount forfeit किया। अब ये पैसा तो आपके पास आया है ना, ठीक है, तो सरकार ने कहा कि इस पैसे को आप इनकम मान लो। किस साल की इनकम मानेंगे? जिस साल आपने फॉरफिट किया है, कौन से हेड की? लेकिन यार ये तो सर उसके लिए लिया था हमने, कैपिटल गेन की चैप्टर के लिए लिया था। ठीक है, ये तो हमने मकान बेचने के लिए लिया था, तो इसको तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल करो। क्या कोई एसेट बिका? नहीं।
जब एसेट कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो कैपिटल गेन कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है, तो कैपिटल गेन के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो कैपिटल एसेट का होना जरूरी है प्लस ट्रांसफर का होना जरूरी है। क्या कोई कैपिटल एसेट आपको दिखा? हाँ जी सर मकान है। क्या कोई ट्रांसफर आपको लग रहा है? सर ट्रांसफर ही नहीं हुआ क्योंकि वो बाकी पैसा दे ही नहीं पाया। यहाँ पे ना बहुत सारे गंदे गंदे दुरुपयोग हुए इस कानून के, जो पहले था कि इसको इनकम मत बना, फिर बाद में पिटाई होती थी जब क्या होता था, जब जब इसको आप मकान को एक्चुअल में सेल करते थे तो सेल में से जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते थे, मान लीजिए आपने 50 लाख का बेचा इसको, और जब आप ये सेल है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता था कि आपने कितने में खरीदा, खरीदा था आपने मान लीजिए इसको 30 लाख रुपए में, तो आपको यहाँ 30 माइनस नहीं होता था, आपको यहाँ सीधा सीधा माइनस होता था 30 में से पहले तो 5 हटा दो जो आपने ऑलरेडी रिसीव किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितना बचा 25, वो 25 जो है वो लेस होता था। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया था, सरकार ने ये कॉन्सेप्ट को हटा के इसमें इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो 5 लाख रुपए फॉरफिट हुए हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। ठीक है, वापस आ जाइए अपने बुक पे, देखने क्या लिखा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर दोज फॉरफिटर्स ऑफ एडवांस मनी विच आर फॉरफिटेड इन द असेसमेंट ईयर 2015-16 ऑनवर्ड्स। मतलब ये कि जो 15-16 के बाद फॉरफिचर हुए हैं उन्हीं पे ये लगेगा ये कानून कि हाँ जो आपने फॉरफिचर किया है इसी साल की इनकम मानी जाएगी। इससे पहले के जो फॉरफिचर है उन पे वही पुराना कानून है जो मैंने बताया कि उस साल इनकम मत मानो जिस साल फॉरफिट किया है। जब बेचोगे तो बेचते टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में घटा देंगे हम वो अमाउंट जितना आपने फॉरफिट किया हुआ है। ठीक है जी, ओके। एनी कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल वेदर इन नेचर ऑफ रिवेन्यू और कैपिटल इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड अंडर सेक्शन 56(1920). अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा मॉडिफाई किया, यदि आपने उसको बिजनेस इनकम नहीं माना है तो आप उसको क्या मानते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानते हैं। ये अमेंडमेंट आया हुआ है असेसमेंट ईयर 19-20 से, असेसमेंट ईयर 19-20। ठीक है जी, फिर आते हैं सम जनरल इनकम विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट करते हैं। सबसे पहले आई थिंक इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है लास्ट क्लास में भी, थोड़ा थोड़ा फिर भी बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, मतलब मकान अगर किराए पे दिया है मैं ओनर हूं तो मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। जिसको मैंने किराए पे दिया उसने आगे किसी और को किराए पे दिया, उसको बोल रहे सबलेट करना। मैं जो करता हूँ उसको लेट आउट बोलते हैं, जो आगे मेरा किराएदार किसी और को किराए पे देता है उसको सबलेट करना बोलते हैं। उसकी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, मेरी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, रॉयल्टी की इनकम अगर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं मानते हो तो उसको क्या मानो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानो। डायरेक्टर की फीस, अगर डायरेक्टर की फीस आप देखोगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाता है। रेंट ऑफ लैंड नॉट अपर्टेन टू एनी बिल्डिंग, मतलब कि ऐसा जमीन जो बिल्डिंग के साथ नहीं जुड़ा है, अगर बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जमीन है तब तो उससे आने वाला इनकम, उससे आने वाला रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मान लिया जाएगा, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर कोई ऐसा लैंड है जिसको आपने किराए पे दिया है जहां दूर दूर तक कोई बिल्डिंग के साथ कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लैंड को अगर मैंने किराए पे दिया है तो उस लैंड से आने वाला रेंट जो मेरे पे होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया आप कोई एग्रीकल्चरल का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो वहां से जो इनकम आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। ग्राउंड रेंट, वही जो आपने रेंट किसी लैंड से किया है जो अपर रेंट लैंड ना हो। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये हम अभी बता चुके हैं। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, ये भी ऊपर है, ग्राउंड रेंट और रेंट ऑफ लैंड ये सेम ही है। इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर मैंने लीज पे कोई प्रॉपर्टी लिया हुआ है, ठीक है, मैं उसको रेंट देता हूं उसके लिए वो इनकम अलग है, लेकिन मैं अगर हूं, मैं तो उसका टेनेंट हूं ना, तो मैं इसको आप इस बिल्डिंग को आप कहीं और लीज पे देता हूं, कहीं किसी और रेंट पे देता हूं, तो मेरी जो इनकम है, मैं तो ओनर ही नहीं हूं, तो मेरा तो
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या पीजीपी नहीं बन सकता, ये कहाँ जाएगा, ये इनकम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ओके, कैजुअल इनकम, बाकी जितनी भी सारी इनकम है जो आप बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह से इनकम कमाते हैं, WRC से, ब्लैक मनी से। सैलरी पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि किसी पार्लियामेंट मेंबर को कोई सैलरी मिलती है तो वो उसकी सैलरी इनकम नहीं मानी जाती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला आता है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई, यदि कोई एम्प्लॉई मर गया, एम्प्लॉई के मरने के साथ ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप खत्म, अब नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, तो क्या होगा, अब जो होगा ये पेंशन मिलेगा इस एम्प्लॉई के घर वालों को। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप भी नहीं है तो सैलरी इनकम भी नहीं है, तो इनके लिए इसकी इनका जो इनकम है इस फैमिली के लिए जो फैमिली पेंशन है ये मान लिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। ओके, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, आपने कहा कि मेरे पास इनकम आया लेकिन मैं नहीं बता सकता कि कहां से आया, भाई चोरी करके आया है, ठीक है, या कोई मेरा ऐसा दो नंबर का काम है, आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते इनकम, तो ऐसी इनकम उसको सरकार ने कहा कि ना तो ये सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, इसको अदर सोर्सेज में डाल दो, क्योंकि आप डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते हैं इस इनकम को, इसलिए ये कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर यूज ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर आपने कोई कंपनसेशन रिसीव किया है गवर्नमेंट से कि वो आपका कोई एसेट यूज कर रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट बोरोड रिपेड इन हुंडई, हुंडई क्या होता है, ठीक है, ये होता है हवाला, सुना है आपने हवाला, हवाला मनी। हवाला में क्या होता है, जैसे दुबई में दो बैठे हैं, ये व्यक्ति ये दुबई में है, इसको वहां पैसे की नीड पड़ी तो इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई साहब आपको ये व्यक्ति को उड़ाना है, मर्डर करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसको पैसा चाहिए था लेकिन इंडिया में, इंडिया में फैमिली रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा रहते हैं यहाँ पे बूढ़े, इसको मम्मी पापा को पैसा भेजना था, तो क्या हुआ, इसने यहाँ पे कोई इनको मर्डर करने के लिए कोई पैसा ले लिया, एग्जाम्पल है, ऐसा कोई सच जेन्युइन नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसने मर्डर कर लिया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो बंदा, उसके कॉन्टैक्ट इंडिया में भी है, इसने अपने कॉन्टैक्ट को फोन किया यहाँ इंडिया में और कहा कि इसके मम्मी पापा को जाके पैसा दे के आ जाओ। अब ये बंदा दुबई में बैठा है, दुबई में ना पैसे का लेन हुआ, ना देन हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मर्डर हुआ, कहानी खत्म, एक बंदा आया अचानक से और इसके मम्मी पापा को पैसे दे के चला गया, इसको बोलते हैं हवाला, ठीक है, या ऐसा कोई व्यक्ति है, मर्डर की एग्जाम्पल अगर आपको कोई खतरनाक लग रहा है, तो दोनों में डील हुई, ये दोनों लोग बैठे हैं दुबई में, इन दोनों में डील हुआ, इसने कहा कि मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड मैं आपको देता हूँ, दुबई वाले ने कहा मैं आपको गोल्ड देता हूँ, लेकिन आप मुझे जो पैसा है, पैसा जो आप मुझे दे दोगे ये आप मुझे यहाँ नहीं दोगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ से पैसा लेके जाऊंगा तो मुझे पकड़ेंगे, भैया इतना पैसा कहाँ से लाया, आप इस पैसे को क्या करो, आप इसको मेरे घर पहुंचा दो। तो इस दुबई वाले बंदे ने क्या कर लिया, अपने कॉन्टेक्ट को इंडिया में फोन कर लिया कि इसके घर में पैसा भिजवा दे, ठीक है, जैसे ही पैसा वहां रिसीव हुआ यहाँ पे दुबई में गोल्ड का लेन देन हुआ, तो इसको बोलते हैं हवाला। ऐसे इनकम को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाता है। डिविडेंड का हमने ट्रीटमेंट आपको बता दिया कि अगर कोई इनकम डिविडेंड इनकम आपको आता है तो डिविडेंड की मैंने आपको बताया कि एक होता है नॉर्मल डिविडेंड, एक होता है नॉर्मल डिविडेंड और एक होता है डीम डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड या हो या डीम डिविडेंड हो, डीम डिविडेंड में पहले था 222A से लेकर D तक, इन पे टैक्स नहीं था, लेकिन 222E वाला जो डिविडेंड था इस पे टैक्स था, नॉर्मल डिविडेंड भी जो था इस पे टैक्स नहीं लगता था। अब सरकार ने कहा कि ये जो नॉर्मल डिविडेंड और ये वाले डिविडेंड है इस पे सीधा सीधा एक कंपनी 115O के तहत
15% का सीडीटी पे कर दे। अब सरकार ने ये वाला जो है, अब ऑलरेडी कंपनी इस पे टैक्स दे रही है तो ये बाकी पर्सन के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता था, ठीक है, शेयर होल्डर के नाम पे ये एग्जेम्प्ट होता था, ये डिविडेंड पे कंपनी जो है टैक्स नहीं देती थी। लेकिन अब कुछ साल पहले, एक साल पहले ये भी हुआ कि इस डिविडेंड को भी टैक्सेबल कर दिया गया और इसमें सरकार जो कंपनी है 30% टैक्स देती है और ये भी शेयर होल्डर्स के लिए क्या हुआ, एग्जेम्प्ट हुआ। लेकिन सरकार ने कहा यदि कोई डिविडेंड आपने कमाया है एग्रीगेट में 10 लाख से ऊपर है, कोई भी डिविडेंड हो, नॉर्मल हो, डीम्ड हो, कोई भी डिविडेंड हो, 10 लाख से ऊपर आपने कमाया है, 10 लाख से ऊपर, तो जो ऊपर वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10%, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10% यदि आपने डिविडेंड को 10 लाख से ऊपर कमाया। इसीलिए लिखा है डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 115 और एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, ये पहले था, फिर लाल कलर में जो आपको दिख रहा है ये अमेंडमेंट है। हाउएवर असेसमेंट ईयर 17-18 से डिविडेंड्स इन एग्रीगेट एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख रिसीव्ड बाय सर्टेन पर्संस टू बी टैक्स्ड एज स्पेशल रेट ऑफ 10%। यदि कोई डिविडेंड 10 लाख से ऊपर आपने कमाया तो उस ऊपर वाले अमाउंट को टैक्सेबल करना पड़ेगा 10% के रेट से। स्पेसिफाइड एसएससी कौन कौन है वो आपको यहां पे बता दिया गया है। फिर आइए आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स हॉर्स रेस बेटिंग गेम्स कार्ड्स एटसेट्रा। सरकार ने यह कहा है कि देखो कोई भी इनकम अगर आप कमाते हो, मान लीजिए आपने कोई लॉटरी जीती 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, इस लॉटरी कंपनी को सरकार ने कहा कि देखो भाई साहब जब भी आप लॉटरी पे करोगे ना, पे करोगे पहले टीडीएस काट लेना, नेक्स्ट क्लास में आपका टीडीएस चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, टीडीएस काट लेना तब जाके पेमेंट करना, तब ये लॉटरी वाला एग्जाम्पल दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब इस पे टीडीएस सीधा सीधा सरकार ने कहा कि इस पे 30% टीडीएस काटना है। अब 5 लाख रुपए है भाई, 5 लाख पे टीडीएस कितना कटेगा बताओ, 5 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए काट के इसको अब कितना मिलेगा जिसने लॉटरी कमाया है, इसको 3.5 लाख रुपए मिलेगा, सीधा सीधा इसका 30% टैक्स लगा यहां पे, ठीक है। अगर ये इनकम 3.5 लाख रुपए है, इस इनकम को मैं बोलूंगा नेट इनकम, जो इसको रिसीव हुआ है नेट में, ठीक है, ये जो 5 लाख रुपए है इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस इनकम, जो टीडीएस कटे बिना इसको जो एक्चुअल प्राइस था। अब ये किसको अपनी इनकम मानेगा, नेट इनकम को कि ग्रॉस इनकम को? सरकार ने इससे कहा कि भैया तुम एक काम करो, ये जो ग्रॉस इनकम है 5 लाख रुपए इसको तुम अपनी इनकम मान लो, ठीक है। इनकम मानने के बाद क्या होगा, ये जो 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स है जो कटा है ये गवर्नमेंट के पास जमा होगा। जब आप अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, आप निकालोगे यहाँ पे मेरे पास सैलरी इनकम आया, ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आया, फिर पीजीबीपी आया, फिर कैपिटल गेन आया, फिर अदर सोर्सेज आया, ये सारी इनकम्स को जोड़ने के बाद, बताओ मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में बता क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में सर डिडक्शन माइनस होती है, लेस डिडक्शंस 80C to 80U, वो माइनस करने के बाद क्या होता है सर, टोटल टैक्सेबल इनकम आता है, तो टीटीआई, इस टीटीआई पे टैक्स लगता है। मान लीजिए आपका टैक्स बना भाई साहब 2 लाख रुपए, जो आपको 2 लाख रुपए टैक्स बना, अब क्या होगा आपको, अब ये 2 लाख रुपए टैक्स नहीं भरना, आपको 2 लाख रुपए टैक्स नहीं भरना है, आपने ऑलरेडी जो है 1,50,000 रुपए भर चुके, ऑलरेडी 1,50,000 दे चुके हैं आप, अब आपको जो नेट टैक्स लायबिलिटी भरनी है वो भरनी है सिर्फ 50,000 रुपए, क्योंकि 1.5 लाख तो ऑलरेडी आपका कटा हुआ है ऊपर, वो तो सरकार के पास जमा है। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख के बजाय जो टैक्स लायबिलिटी बनी, वो बनी सिर्फ 90,000 की, सर फिर जो हमने 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया इसका क्या होगा, सरकार ने कहा इसको रिफंड ले लेना, क्या ले लेना, रिफंड ले लेना,
ठीक है, यदि कोई रिफंड आपने लिया और इस पे इंटरेस्ट भी देती है सरकार, यदि कोई इंटरेस्ट इस पे मिला तो इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लो। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो आपने WRC से इनकम कमाया उसको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलता हूं। यदि कोई इंटरेस्ट कमाया है किस पे, किस पे, रिफंड पे, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पे, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ओके, इसका टाइम ओवर हो चुका है, हम नई मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कृपया करके उसमें ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।